अगर आप ये मैच देख रहे हो तो प्लीज इसे पूरा देखना, क्योंकि इसमें जो रश हुआ है वो ऑसम है। मैंने जो खेला इसको पूरी स्ट्रेटजिकली लिया कि मैंने एनर्जी ड्रिंक ली, फिर मैं आगे बढ़ा, देन मैंने देखा कि कुछ बंदे हैं, मैंने ट्राई किया डीपी से हिट करने का एंड आई नॉक थ्री ऑफ देम आउट। तो फिर मैंने डायरेक्ट रश किया, देखिए, तो आई ट्राई टू फिनिश देम, पर वो लाइक कंटेनर के पास चले गए तो मैं उनको कर नहीं पाया। तो फिर यहाँ पर ये सिचुएशन और इंटेंस हो गई थी। ये बंदा आया, आई जस्ट शूट हिम डाउन, देन मैं स्कोपिंग किया, देन अनदर पर्सन केम, मैंने रैंडमली उसके बॉडी शॉट्स दिए तो वो नॉक हो गया, देन आई गॉट देयर, वन वाज रिवाइविंग, देन आई नॉक हिम आउट। सो मैंने तीन बंदे नॉक किए थे जिनमें से एक अभी भी मिसिंग है, सो आई ट्राई टू फाइंड हिम आउट, आई थॉट कि वो रिवाइव हो गया होगा, बट ही वॉज स्टिल नॉक। देन मैंने एक बंदा और देखा था जो कि वेयर हाउस के पीछे की तरफ था, जो कि नॉक नहीं था, तो मैंने ट्राई किया कि साउंड आई तो मैंने ट्राई किया कि आई मेड हिम टू एंड आई डिड। सो इसके बाद मैंने आराम से लूट करी और आई जस्ट मूव इन फ्रंट। सो लूट बहुत काफ़ी अच्छी थी, 6x, 4x, AKM वगैरह वगैरह इनके पास। तो इसके अलावा एक और मूवमेंट जो है मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा, जो कि है ये वाला, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे लेट मी, पहले मैं जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। केवल एक बंदा बचा है और हम दो हैं, तो मेरे पास जीपी और स्कारल थी, तो आई ट्राइड कि मैं 6x से उसको जो है 6x और 4x जो भी मेरे पास थी मैं उससे उसको नॉकआउट करूं, क्योंकि आई स्पॉटेड द मैन। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने ट्राई किया कि आई जस्ट नॉक हिम आउट, देखते हैं क्या हुआ। एक बहुत ही फनी मोमेंट जो कि मुझे लगा कि मैं बात के लिए सेव कर सकता हूँ। सो मैंने, इसके पास ऑम थी बट ई ट्राइड टू नॉक हिम आउट, बट ये कुछ कर नहीं पाया। आई ट्राइड बट डीपी के रैंडम शॉट्स उसे लगे नहीं एंड ही नॉक मी आउट। रिवाइव कर, रिवाइव, आई सेड हिम टू हेल्प मी बट ही डिडंट, कहता है यही रुका रहे मैं उसे मार दूंगा। अबे मरेगा, आई सेड हिम ही विल डाई, उसने मेरी बात नहीं मानी और लुक व्हाट हैपेंस, वही मर जाएगा, वही हेल्प कर दे मर जाएगा।